हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन बताते हैं, उसका कहाँ पर है उससे उसका एक रिलेशन बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो दूसरे वर्ड से किस तरह से रिलेटेड है। उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे द बॉय सेट एट हिज टेबल, तो बॉय का टेबल से रिलेशन बताया कि बॉय और टेबल, बॉय जो है वो टेबल पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो ये एट वर्ड है ये बताया कि कहाँ बैठा हुआ था, टेबल पर बैठा हुआ था, टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। तो इस तरह से ये जो एट वर्ड है इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में द मैन वॉक्ड इनटू द रूम, इनटू यहाँ पर पता चला इस वर्ड से कि मैन और रूम किस तरह से आपस में रिलेटेड है। वॉक किया रूम में, इनटू लिखते हैं उसके लिए कि इनटू द रूम, रूम के अंदर वॉक किया मैन ने। तो इस तरह से सेंटेंस में हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन देखते हैं, जिन वर्ड से, उनको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। अब प्रीपोजिशंस दिखाने के लिए कई सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक प्रीपोजिशन होती है जो प्लेस बताती है, जैसे कि किस जगह पर बैठा हुआ है। द बॉय सेट एट दिस टेबल, एट हिज टेबल, तो एट जो है वो बता रहा है कि टेबल में किस जगह पर। द कैट ले अंडर द बेड, बेड के और कैट के बीच में कहाँ पर लेटी हुई है, उसके नीचे। दूसरा प्रीपोजिशन होता है जो किसी मूवमेंट यानी कि किस दिशा में कोई जा रहा है नाउन या प्रोनाउन उसको बताता है। जैसे कि द मैन वॉक्ड इनटू द रूम, कमरे के अंदर गया, तो यहाँ पर बताया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, रूम की तरफ जा रहा है। तो इस इनटू वर्ड से पता चला कि रूम के अंदर जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन पता चली, इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। द डॉग चेस्ड द कैट थ्रू द गेट बार्स, तो यहाँ पर थ्रू एक बता रहा है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। एक हमारी प्रीपोजिशन होती है जो हमें टाइम बताती है, जैसे आफ्टर स्कूल, तो यहाँ पर आफ्टर बताया कि स्कूल के बाद दे प्ले क्रिकेट। वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक ऑन संडे, ऑन संडे मतलब कब जा रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, संडे को जा रहे हैं। तो इस तरह की प्रीपोजिशन जो होती है वो टाइम को बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक होता है एजेंसी, एजेंसी मतलब किसके थ्रू काटा गया, किस चीज़ से कोई चीज़ यूज़ हुई। तो जैसे द ट्री वॉज कट बाय द वुड कटर, तो वुड कटर ने ट्री काटा, किसने काटा ट्री, वुड कटर ने, तो बाय द वुड कटर। ही कट द एप्पल विद ए नाइफ, उसने एप्पल काटा किस चीज़ से, नाइफ से, मतलब उसका सोर्स क्या था काट होने का, तो उसको हम एजेंसी वाली प्रीपोजिशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनर, मैनर मतलब कोई काम किस तरह से हुआ। द सोल्जर डज हिज ड्यूटी विद करेज, विद करेज उसमें बताया कि किससे किया, साहस के साथ किया। ही वॉन द रेस विद टीज, तो विद क्या बता रहा है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन बता रहा है। नेक्स्ट हम कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, सेंटेंस में प्रीपोजिशन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस द रिजल्ट्स विल अराइव ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर जो ऑन है वो प्रीपोजिशन बता रहा है कि ट्यूसडे को रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहन ऑर्डर्ड ए कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ ए टी, इंस्टेड ऑफ, तो ये जो क्या है, इंस्टेड ऑफ एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, तो यहाँ पर एट द टॉप ऑफ, एट और ऑफ, ये जो दोनों हैं प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट में वी डेकोरेटेड द ट्री विद स्टार्स एंड रिबन्स, तो यहाँ पर विद जो है एक प्रीपोजिशन है। अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। द प्रेजेंट इज फॉर मोना, इट इज फ्रॉम करुणा। इस तरह से हम सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशंस कहाँ पर आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। कुछ होती हैं प्रीपोजिशन जो कि फ्रेज से बनी होती है। फ्रेज क्या होता है एक्चुअली? फ्रेज कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस में एक पार्ट के जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे बिहाइंड द बुश, स्टिल ग्रीडी। तो इसमें क्या होता है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन को लगा। जैसे बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है और बिहाइंड द बुश ये फ्रेज हो गई, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। स्टिल ग्रीडी, स्टिल एक प्रीपोजिशन है और ग्रीडी एक वर्ड है, तो स्टिल ग्रीडी मिलकर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। तो इस तरह की फ्रेजेस जो किसी प्रीपोजिशन से बनती हैं उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं। अब कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। जैसे डेयर टू, एक्सपेक्टेड टू, डीफ ऑफ, डिपेंड ऑन, अशेम्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। ये सब जो है इसमें एक वर्ड प्रीपोजिशन है और दूसरा वर्ड है, तो इस तरह से इन वर्ड्स को मिला करके जो फ्रेज बनती है उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। कुछ और फ्रेज हैं जैसे कॉल अप, ड्रॉ अप, प्रिपेयर, हाइड, कॉन्सील, गिव अप। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ही हैं। अब हमें ध्यान में रखना है कि जो फ्रेजेस प्रीपोजिशन से शुरू होती हैं उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। जैसे ही डैश फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही हैड ए फीवर। तो अब हम यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब इसमें कुछ फ्रेजेस जो ऊपर दी हुई हैं उनमें से छाट कर हम लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही रिटर्न। तो ये एक प्रीपोजिशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकंड है एज द मैन डैश आई सॉ दैट इट वाज माय अंकल। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अब हम इसमें से देखते हैं as the man give back। As the man give back I saw that it was my uncle। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? डैश द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को या दूसरी प्रीपोजिशंस को यूज़ कर अपने सेंटेंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसमें नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस फिल करते हैं। जैसे आई लाइक टू वॉक along a river bank, I look at the reflection of tree and branches in the water, I watch the fish gliding through the reeds। तो इस तरह से हम सेंटेंस में पढ़कर ये चुनते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे across और along दोनों में से एक वर्ड चुनना था, तो अब हमें along a river bank, रिवर बैंक के किनारे किनारे तो हम चलना पसंद करते हैं, तो along a river bank आता है वहाँ पर। इन द वाटर, जो उनके रिफ्लेक्शन दिखेंगे ट्रीज़ के और ब्रांचेस के वो पानी के अंदर ही दिखेंगे, तो इसलिए इन द वाटर हम यूज़ करते हैं। आई वॉच द फिश ग्लाइडिंग। अब थ्रू और अबव, इनमें से हमें एक चुनना है। अबव मतलब हो गया ऊपर, लेकिन जो फिश जो तैरती है वो पानी के अंदर तैरती है, तो थ्रू द रीड्स आएगा। तो इस तरह से हम जब ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किस चीज़ के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों प्रीपोजिशंस के बारे में। थैंक यू।